ये हमारे पास नोटबुक नंबर टेन सी है जिसके अंदर लेसो इग्रेशन को हम पढ़ रहे हैं लेसो इग्रेशन हमारे पास क्या करती है अगर मैं इसको बताऊं तो लेसो इग्रेशन विच स्टैंड फॉर लीस्ट एप्सलूट श्रिंकिंग एंड सिलेक्शन ऑपरेटर लीस्ट एप्सोलूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर ये टाइप है लीनियर रिग्रेशन की दैट यूज इज श्रिंकेज श्रिंकेज का मतलब क्या है श्रिंकेज का मतलब यह है कि डेटा वैल्यूज आर अ सेंट्रल पॉइंट लाइक द मीन मीन जैसे mean होता है ना उसके सेंटर की एंड सिलेक्शन ऑपरेटर लीस्ट एब्सोल्यूट पिछले वाला जो रिच रिग्रेशन था यह था लीस्ट चेंजेस यानी कि यहां पे अगर आप यू देखें तो हमारे पास यहां पे अगर चेक करें and, uh, यहाँ पे. ऑर्डिनरी लीज स्क्र रिग्रेशन के अंदर चेंजेस थी और यहाँ पे हमारे पास लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर है बेसिकली एब्सोल्यूट होगा वैल्यूज और लीस्ट होगा अब होता क्या है कि जब हम लीस uh, स्क्र की बात करते हैं तब भी वो माइनस को पॉजिटिव कर रहा है और एब्सोल्यूट वैल्यू भी नेगेटिव को पॉजिटिव करती है लेसो रिग्रेशन को या लासो रिग्रेशन को हम एल वन एल वन रेगुलराइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं ठीक है और एल टू बोलते हैं रिज रिग्रेशन को तो ये बात आप याद रखिए वन एवर यू आर वर्किंग विद एल वन एन एल टू

अब होता क्या है कि जब आपके पास मल्टी कोलिटीज ज्यादा है यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स वो बहुत ज्यादा है तब आप लासो रिग्रेशन को यूज करते हैं या रिज रिग्रेशन को यूज करते हैं अब लासो रिग्रेशन की कुछ और भी टर्म्स हैं रेगुलराइजेशन टर्म में द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेगुलराइजेशन टर्म या लासो रिग्रेशन इज दैट इट एड्स एन एल वन पेनल्टी टू द रिग्रेशन मॉडल और ये जो रिज रिग्रेशन थी ये ऐड करती थी एल टू स्कर्ड एल टू नॉन पेनल्टी

और इसका एट द एंड क्या होता है आपके पास द कॉज फंक्शन फॉर लेस और इग्रेशन की इक्वेशन ये आ जाती है और आपके पास श्रिंकेज ऑफ एरर्स जो हैं उसको आप उस मेथड के थ्रू लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर के थ्रू सारी चीजों को सारी एरर्स को लीस्ट कर देते हैं एट द एंड हमारा काम क्या है हमारा काम है जो कॉफिशेंट की वैल्यू इनको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देना श्रिंक कर देना यानी कि वहां पर ले आना जहां पर ये ज्यादा चेंज ना कर सके आपके आउटपुट को जिससे ओवरफिटिंग होने के खतरा होते हैं फीचर सिलेक्शन जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेज रिग्रेशन ओवर रिज रिग्रेशन इज दैट इट कैन रिजल्ट इन स्पार्स मॉडल विद विद्यू कॉफिशेंट बिकम एक्जैक्टली जीरो एंड बी इलिमिनेटेड फ्रॉम द मॉडल लासो में हम काफ़ी फीचर्स को जीरो भी कर सकते हैं लेकिन रिज में जीरो नहीं होता बहुत मिनिमल हो जाता है तो लासो रिग्रेशन में फीचर सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है इसी वजह से हम लासो रिग्रेशन को ज्यादा यूज करते हैं इन केसेस जब आपके फीचर की बहुत ज्यादा डायमेंशन uh, है दिस प्रॉर दिस प्रटी इज कॉल्ड ऑटोमेटिक फीचर सिलेक्शन एंड इज फॉर्म ऑफ इंबेडेड मैथड यह इंबेड मैथड की फॉर्म है और उसको ऑटोमैटिक फीचर सिलेक्शन बोला जाता है ये ऑटोमेटिकली क्या करता है कई फीचर्स को जीरो कर देता है और एलिमिनेट भी कर देता है और रिज डिग्रेशन जो एलिमिनेट नहीं करता पैरामीटर ट्यूनिंग ये स्ट्रेंथ ऑफ एल वन पेनल्टी इज डिटर्मन बाय द पैरामीटर टिपिकली डिनोटेड एज द एल्फा और लैमडा जो हम एल्फा यूज करते हैं उससे हम डिनोट करते हैं पैरामीटर ट्यूनिंग को

और ये क्या करता है पोटेंशियली लीड करता है टू अ बेटर जनरलाइजेशन ऑन द अनसीन डेटा यानी कि जितना हैवीली आप कॉफिशेंट्स की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे उतनी आपकी बाइसनेस तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन आपका वेरियंस डिक्रीज हो जाएगा सो so या तो आप बाइस रख सकते हैं डेटा को या वेरियंस इसका इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं तो हमारे लिए वेरियंस को डिक्रीज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी रीजन भी यही है ताकि बहुत अच्छे तरीके से हर फीचर की वैल्यू हमारे पास आए और एट द एंड हमारा मॉडल जो है पेनल्टी की बेस पे एक जर्नलाइज मॉडल हो जो अनसीन डेटा पे अच्छा परफॉर्म करे एज कम्पेयर टू द सीन डेटा या आपका ओवर फिटिंग का फिनमिना कम हो जाए स्केलिंग बिफोर अपलाइंग लासो इट इज रिकमेंडेड टू स्केल स्केल और नॉर्मलाइज द डेटा ठीक है इंप्लीमेंटेशन साइकिल के अंदर कैसे करते हैं आप लैसो को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं रिग्रेशन को डेटा सेट में से ले आते हैं ठीक है एंड ट्रेन टेस्ट सप्लेट एंड मीन स्कूटर मैंने बेसिकली डेटा सेट के अंदर से मेक रिग्रेशन को यहाँ पे बुलाया मैं खुद ही इसी से जनरेट करूंगा एक्स एंड वाई के मॉडल और मेक रिग्रेशन का जो हमारे पास फंक्शन है नहीं क्लास है हाँ फंक्शन है इस फंक्शन को यूज़ करके मैं एक सैम्पल डेटा सौ सैंपल का बनाऊंगा फ़ीचर दो रखूंगा नॉइज़ उनका पॉइंट वन कह दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास एस के लर्न को यूज़ करते हुए रैंडम डेटा जनरेट करेगा आप इसी को थाउजेंड भी कर सकते हैं और फीचर्स भी बढ़ा सकते हैं वी आर गोइंग टू डू दैट इन अ मिनट डेटा को सप्लिट किया लासो को यहां पे जनाब अल्फा वन के साथ फिट किया फिट करने के बाद हमारे पास फाइव प्रोडिक्शन आई और हमने मीन के एरर को यहाँ पे इम्प्यूट किया जो हमारे पास पॉइंट नाइन थ्री आर है और जैसे मैं इसको बार बार करता जाऊंगा हमारे पास मीन एरर चेंज होता जाएगा बिकॉज हमने यहां पे नंबर ऑफ सैंपल्स की रेंडम स्टेट जो है वो नहीं लगाई लेट्स अगर हम यहाँ पे रेंडम स्टेट लगा सकते हैं मैं यहां पे भी फोर्टी टू लगा देता हूँ अब देखते हैं अब नहीं चेंज होगी यहाँ पे ठीक है ये मैं बार बार रन कर रहा हूं और ये चेंज नहीं हो रहा सो so, हम यहां पे रैंडमली रैंडम स्टेट लगा देते हैं ताकि एक ही दफा जो है वही आए यहां पे फीचर का मैं अगर तीस कर दूं मैंने तीस फीचर्स किए सौ सैंपल्स हैं अब देखते हैं क्या होता है एरर बढ़ गई है बहुत ज्यादा बढ़ गई है चेक करें जीरो से सेवन पे चली गई है और अगर मैं थाउजेंड की बजाय टेन थाउजेंड सैंपल करूं नाइन मीन स्क्वेड एरर आ गई और आप ये देखें कोडिंग की खूबसूरती के टेन थाउजेंड सैंपल्स को भी वो उसी स्पीड से ही चेक कर रहे हैं ठीक है टेन गई इसका मतलब जब आपकी डिमेंशन और फीचर्स बढ़ते जाएंगे आपकी एरर भी बढ़ती जाएगी सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि आपका डेटा में किस किस्म का नॉइज है अब अगर मैं इसको नॉइज को पॉइंट एट कर दूं तो आपका डेटा बहुत ज्यादा नॉइजी हो गया और आप देखें आपकी मीन स्क्ट एरर भी टू पॉइंट सिक्स सिक्स होगी अगर मैं नॉइज को पॉइंट वन कर दूं तो आप अगर गौर करें तो आपके डेटा में ये देखें एरर बिल्कुल कम हो रही है यहां पे लेकिन मीन क्यूट एरर उतनी रह रही है सो दिस इज़ अप टू यू कि आप किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे बट यहाँ पे अगर आप देखें तो लीनियर मॉडल के अंदर लासो भी है और रिज भी है आप यहाँ से रिज भी लगा सकते हैं रिज भी है यहाँ पे और अगर मैं इसको रिज को भी लगाऊँ यहाँ पे इसी मॉडल के अंदर लासो मेरे पास ये आ गया रिज को हम लगाते हैं रिज इज इक्वल टू आर आई डी जी ई इज इक्वल टू रिज का भी अल्फा वन कर दिया यहाँ पे हम करते हैं जनाब रिज डॉट फिट रिज डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे और यहाँ पे y predict lasso है और यहाँ पे हम कर देते हैं y प्रोडिक्ट रिज ये इसको भी हमने कर दिया और predict प्रोडिक्ट एंड यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं y predict रिज को भी प्रिंट ये हमारे पास दोनों की आ गई और आप चेक करें अब आपके पास क्या हो रहा है मींस के डायर जो है वो बेसिकली ये वाली जो है मींस के डायर ऑफ एक ड्रास्टिक डिफ्रेंस है दोनों के अंदर रिच रिग्रेशन की बहुत कम मीन एर है और आपकी लॉस के क्यों क्योंकि ये एप्सोल्यूट वैल्यूज को यहां पर लेके आ रही है ठीक है ये इस तरीके से श्रिंक कर रही है लॉस और रिग्रेशन कुछ फीचर्स को निकाल रही है और एप्सोलूट वैल्यू को लेकर आ रही है ये स्क्वेयर करके लेके आ रही है ऑन दी अदर साइड ये सारे फीचर्स को काउंट करके मिनिमाइज कर रही है कहीं को मिनिमाइज़ करके यहाँ से निकाल भी रही है और अगर आप यहीं पर गौर करें आप सेम काम जो है वो किसी और डेटा सेट पर भी, भी करके देख सकते हैं कि कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है मैंने सिर्फ मीन एरर को देखा आप मीन एब्सोल्यूट एरर को भी देख सकते हैं एंड देन यू कैन डिफाइन अदर पैरामीटर्स एज वेल दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई और इस एग्जांपल के अंदर अल्फा जो है वो बेसिकली रेगुलराइजेशन की अमाउंट है कि कितना सख्ती के साथ पेश आना है यानी कि सख्त लौंडा पूरा सख्त होना चाहिए या वो थोड़े से सख्ती को नरमी में तब्दील कर ले और फाइन ट्यूनिंग एल्फा थ्रू टेक्निक लाइक क्रॉस वैलिडेशन इज कॉमन प्रैक्टिस जिससे हमारा मॉडल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और ये आपकी असाइनमेंट भी है कि फाइन ट्यून वैल्यू यूजिंग ठीक है ये आपने करना है और मे भी अगर मुझे यहाँ पे देखें अगर हम यहां पे हम लासो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ग्रेड सर्ट सी हमने अल्फा की रेंज बता दी पॉइंट वन टेन एंड पॉइंट वन ठीक है तो ये हमारे पास एनपी की रेंज है यानी कि पॉइंट वन से टेंथ तक है और हर दफा पॉइंट वन की इंक्रीमेंट लगानी है पैरामीटर ग्रिड आ गया हमारे पास एंड देन बेस्ट फाइंड वैल्यू ऑफ सी वी बेस पे फिट द मॉडल प्रिंट द पैरामीटर एंड स्कोर यहाँ पर रिज का भी लगाते हैं ये मैं कोडिंग नहीं कर रहा ये बेसिकली किट हब को पायलट को मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड इट विल गिव मी नाइस रिजल्ट हो फुली कभी कभार एरर्स भी आ जाती हैं बट आई नो के मॉडल ठीक जा रहा है बिकॉज आई नो के सी किस तरीके से हम लगाते हैं तो मैं सिर्फ टाइम सेव कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आ सके ये किस तरीके से हम काम करते हैं लेट्स सी एंड इट विल टेक सम टाइम आपको भी पता है ट्यून्ड लासो रिग्रेशन पैरामीटर्स अल्फा 0.1 जो है वो अच्छा काम किए और बेस्ट स्कोर आपका आया 0.99 ट्यून्ड रिज रिग्रेशन पैरामीटर अल्फा स्कोर 0.11 0.0 0.1 और यहाँ पे आपकी वैल्यू आई है इतनी अगर आप गौर करें मैं यहाँ पे अगर वैल्यू ही 1 से 10 कर दूँ 1 से 10 कर दूँ और यहाँ पे भी 1 से 10 कर दूं देन वी विल सी कि हमारी जो क्रॉस वैलिडेशन है उसको भी यहाँ पे मैं टेन कर दूँ क्योंकि ये बार बार इसको चेक करेगा और हमें टेन वैल्यूज़ के बेस पे रिजल्ट देगा मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ इट विल टेक सम टाइम एंड बेस्ड ऑन द डेटा साइड आपका डेटा बड़ा है या छोटा है तो आपको ये रिजल्ट देगा तो अल्फा की पहली वैल्यू है वो इसी को बेस्ट स्कोर बोल रहा है बिकॉज दिस इज़ गिविंग अस बेस्ट स्कोर आई डोंट नीड टू एक्चुअली चेंज द डेटा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज़ इनफ फॉर दिस डेटा साइट क्योंकि ये मैंने एक रैंडम डेटा साइट यहाँ पर जनरेट किया है और इसी डेटा सेट की बेस पे हमने डेटा को फिट करके यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू बेस्ट अल्फा की वैल्यू निकाल ली है अगर आप चाहें तो इस डेटा सेट को चेंज करके अपना डेटा सेट भी लेके आ सकते हैं और फीचर को अगर मैं यहाँ पे दस कर दूँ या पंद्रह कर दूँ देन आई एम होपफुल कि यहाँ पर कुछ चेंजेज आएंगे वी कैन हैव अ लुक मैं ऊपर वाले सभी को रन करता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ जस्ट टू हैव एन आइडिया एंड इट्स वर्किंग फाइन राइट जी दिस इज आर लॉसो रिग्रेशन एंड देन रिच रिग्रेशन जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा इन दोनों को यूज करना जरूरी है आपके लिए जो असाइनमेंट है बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि रेगुलराइजेश आपकी असाइनमेंट है मैं यहां पर असाइनमेंट अलर्ट भी दे देता दे हूँ असाइनमेंट अलर्ट ये जनाब आपकी असाइनमेंट है सो so, इस असाइनमेंट को रिजॉल्व कीजिएगा लहसो रिजर्गेशन को देखिएगा और अगला काम जो मैंने आपको बताया है कि आपने जितने भी मॉडल्स हैं आपके उनको भी आपने अच्छे तरीके से देखना है यहाँ पे मैं अपना लेक्चर फिनिश करता हूं